हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीजीटी मैथ्स। बेटा, 12th क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 9.6 चल रही है। इस एक्सरसाइज में बेटा हम सेकेंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। अब ये टाइप जो आपके पास है, सबसे पहले तो मैं आपके पास टाइप लिखता हूँ। टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक रूट में हो ची बगैर रूट ऑफ पैटर्न वही चलेगा, क्लियर है, इंटू डी एक्स। अब इसमें हम आपको वर्किंग रूल बताएंगे। सबसे पहले तो न्यूमरेटर को डेरिवेटिव बनिए डिनोमिनेटर का, मेक न्यूमरेटर एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्लियर हो गया। अब इसका डायरेक्ट होगा 2x माइनस वन, तो सबसे पहले तो आप 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। फिर 2x माइनस वन होता है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 ऐड कर दें इनटू dx। अब इसके बटे में अलग से लिखो, इसके बटे में अलग से लिखो, क्लियर हो गया। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू का रूट। बेटा रूट है तो रूट एज इट इज रहेगा, ध्यान दे, रूट को छोड़ना दे, इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इसके साथ भी रहेगा, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। हाफ ऑफ इसको नाम डाल देते हैं i1 और प्लस में हाफ ऑफ इसको नाम डाल देते हैं i2, क्लियर है। अब i1 i2 को सोल्व कर लेते हैं और उनकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। वेयर i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। आप देख रहे होंगे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो पुट किया जाएगा, पुट कर देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू टी। जब आप इसको टी पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का डायरेक्टिव तो 2x, इसका हो जाएगा 1 और इसका 0, इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, यही तो है। तो i1 आपके पास क्या हो जाएगा, डी टी का मतलब 1 डी टी, और ये हो जाएगा रूट ऑफ टी। रूट ऑफ टी का मतलब टी की पावर माइनस हाफ, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं। और अब टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c1। अब 1/2 तो 2 हो जाएगा और t की वैल्यू वापिस पुट कर दें, t आपके पास है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू और प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा c1। अब चलते हैं i2 में। i2 आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। अब ये है मिक्स क्वाड्रेटिक। मिक्स को प्योर में कन्वर्ट करने के 3 स्टेप्स होते हैं जो हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 हो, ऑलरेडी है। दूसरा, एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव हो, ऑलरेडी है। तीसरा, एक्स का कोएफिशिएंट है 1, उसका हाफ होगा 1/2 और उसका स्क्वायर होगा 1/4। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू आगे लिखें, आप इसमें 1/4 को तो ऐड करें और 1/4 को ही सब्ट्रैक्ट करें, क्लियर हो गया बेटा, ऐसा था। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा माइनस 9/4 होगा जो माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है। अब आप इसको बोलेंगे एक्स और इसको बोलेंगे ए, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास होता है बेटा लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज, ठीक है। तो अगले पेज पर लिखता हूं,
ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ x, x की जगह आपके पास क्या है x माइनस वन बाई टू प्लस एज इट इज, एज इट इज बेटा आपके पास क्या है x माइनस वन बाई टू का होल स्क्वेयर माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वेयर प्लस सी टू। इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे बेटा log ऑफ x माइनस वन बाई टू प्लस, यहां से आप एलसीएम ले लेंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स और माइनस टू। इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये रहेगी, ठीक है, और प्लस सी टू। अब यहां से टू एलसीएम आ जाएगा, टू एलसीएम लेने के बाद आपके पास हो जाएगा लॉग ऑफ 2x माइनस वन प्लस टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और बाई टू प्लस सी टू। अब आप यहां पर लॉग ऑफ ए अपॉन बी की जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो होती है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, या इतना छोड़ते हैं बेटा, इतना भी आप छोड़ सकते हैं। देयर फोर अब फ्रॉम फर्स्ट के अंदर आप पुट कर दें, फ्रॉम फर्स्ट आई इज इक्वल्स टू, वो तो आपके पास था बेटा वन बाई टू इंटू टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इस टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, और प्लस वन बाई टू एज इट इज, और ये आपके पास है लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। इतना भी छोड़ सकते हैं, ये स्टेप लिखी थी, ये लिखते चाहिए ये स्टेप लिखते, और प्लस में बेटा आप सी लिख देंगे सी वन और सी टू को हटाते हुए, क्लियर है, इस तरीके से होगा। अब चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट में, बिल्कुल एज इट इज है, थर्ड भी एज इट इज है, ठीक है, तो बेटा सेकेंड पार्ट और सिक्स्थ पार्ट एज इट इज है बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट सेम एज पार्ट फर्स्ट, क्लियर है। अब मैं चलता हूं इसके थर्ड पार्ट में या फोर्थ पार्ट में या फिफ्थ पार्ट में से, आप कोई भी एक पार्ट कर सकते हो, मैं थर्ड पार्ट कर देता हूं, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिएगा बेटा। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ फाइव माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। टाइप बेटा बिल्कुल वही है, टाइप वही कौन सी है, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्लियर है। इसके अंदर एक वर्किंग रूल बताया आपको, मेक न्यूमरेटर एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाइए। तो सबसे पहले आप यहां से थ्री कॉमन लीजिए, थ्री कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन बाई थ्री इंटू रूट ऑफ फाइव माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो वो कॉमन ले लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव होगा माइनस टू एक्स माइनस टू, तो माइनस टू से तो डिवाइड कर दें और माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दें माइनस टू एक्स माइनस टू बाई थ्री अपॉन रूट ऑफ फाइव माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब टू सेपरेट कर दे, टू ऐड कर दें माइनस थ्री बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू एक्स, इसमें टू सेपरेट कर दें और टू ही ऐड कर दें, बाकी एज इट इज है, ठीक है, और रूट ऑफ फाइव माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बेटा इसके बटे में तो अलग लिखो और इसके बटे में आप अलग लिखो, तो आपके पास हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ फाइव माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस थ्री बाई टू एज इट इज है, क्लियर है। इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा सिक्स माइनस टू फोर बाई थ्री, क्लियर हो गए। और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ फाइव
माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, माइनस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ आई वन, माइनस थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ आई टू। अब आई वन और आई टू का हम सोल्व करेंगे, वेयर आई वन इज इक्वल्स टू, आई वन बेटा आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स। अब बेटा नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो आप पुट कर दीजिए, पुट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू टी। अब आप इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स और ये हो जाएगा माइनस टू इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो आई वन बेटा आपके पास हो जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ टी इंटू डी टी, यानी कि टी रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी वन, अपॉन हाफ हो तो टू हो जाएगा और टी की वैल्यू आप इस पुट कर दे रहे हो पावर हाफ का मतलब रूट में, तो आपके पास हो जाएगा फाइव माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, आगे पीछे कैसे लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस सी वन। इसके बाद बेटा आप आई टू को लेकर के चलेंगे, आई टू आपके पास क्या है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ फाइव माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन हो, ऑलरेडी है ये टाइप आपके पास आ चुकी है इसलिए दोबारा स्टेप में नहीं लिख रहा हूं। फिर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो आप अंदर के अंदर माइनस कॉमन ले लेंगे, कहां से एक्स स्क्वायर की टर्म से और एक्स की टर्म से, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है टू, उसका आप क्या होगा वन, वन यहां पर ऐड कर दें और वन यहां पर ऐड कर दें क्योंकि वन तो सब्ट्रैक्ट हुआ है, इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ, ये हो गया सिक्स, सिक्स को रूट सिक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे और ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स। अब जो कॉन्स्टेंट है उसको तो बोली ए और इसको बोली एक्स, वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह एक्स प्लस वन है, ए की जगह रूट सिक्स है और प्लस सी टू। अब आप फर्स्ट के अंदर ये पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में बेटा जब पुट करेंगे तो आई इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा देखिए माइनस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ आई वन, और आई वन आपके पास आया था टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ फाइव माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बीच में आपके पास थी बेटा माइनस टू आई टू, आई टू आपके पास आया साइन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन रूट सिक्स, और प्लस में सी वन प्लस सी टू को ऐड करके हम सी लिख देंगे, क्लियर है। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा, टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये था बेटा आपके पास थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, क्लियर है। अब चलते हैं बेटा हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब जो ये पार्ट्स बचे आपके पास थर्ड क्वेश्चन का, सेकंड और सिक्स्थ पार्ट तो फर्स्ट की तरह थे और ये पार्ट बेटा बिल्कुल सेम ऐसे होंगे फोर्थ और फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट सेम एज पार्ट थर्ड, ट्राई योर सेल्फ बेटा, आप खुद ब खुद करेंगे, तरीका आपको बता दिया गया है, आप खुद ब खुद करेंगे, क्लियर है। ऐसे ही है बेटा, ट्राई योर सेल्फ, इनको आप खुद करेंगे बेटा, किसी टाइप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस कैलकुलस में गलती ना करें, वर्किंग रूल ध्यान में रहे। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास है रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए, रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस वन, आप इसको रूट ऑफ एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करें और रूट ऑफ एक्स प्लस वन से डिवाइड करें तो आपके पास ये हो गया एक्स प्लस वन अपॉन रूट ऑफ
ए माइनस बी रे प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और अब आपके पास टाइप बन गई, कौन सी टाइप बन गई, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये टाइप आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली बन गई भाई, ठीक है बेटा। बिल्कुल वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो आप 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये आपके पास है रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब 2x के बटे में अलग, इसके बटे में अलग, तो आपके पास हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हाफ ऑफ इसको नाम डाल दें आई वन, और प्लस इसको नाम डाल दें आई टू, क्लियर है। वेयर आई वन इज इक्वल्स टू आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो ऊपर है, तो इसलिए हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी। तो बेटा इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। वापिस जब अपने क्वेश्चन में पहुंचेंगे आप, तो 1 डी टी हो जाएगा ये तो, और ये हुआ रूट ऑफ टी, यानी कि टी की पावर माइनस हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो पहले तो आप यूँ लिख दीजिए, टी रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी वन। अब हाफ है वो तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में जा करके, क्लियर है। और इसको आप रूट में राइट डाउन कर दें, टी की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस सी वन। इसके बाद आप आई टू को लेकर के चलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1, 1 को 1 का स्क्वेयर लिखें और फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज। फॉर्मूले बेटा अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, प्लस सी टू। और आप फर्स्ट के अंदर आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई वन। आई वन आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस आई टू, आई टू आपके पास क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज, प्लस सी वन और सी टू घटा करके सी लिख देंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम एज इट इज है, सेम एज पार्ट फर्स्ट, ट्राई योर सेल्फ। इसको बेटा आप खुद ब खुद करेंगे, क्लियर हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, ध्यान से देखिए। फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, देखें फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब आप सबसे पहले तो पुट कर दें एक्स स्क्वेयर को टी, और जब एक्स स्क्वेयर को टी पुट करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, 2 डिवीजन में भेज देंगे, एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी टी हो जाएगा। वापिस जब क्वेश्चन में चलेंगे तो हाफ तो आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस टी, और अब रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस टी, यहाँ पर बेटा ए स्क्वेयर है ये, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस टी इंटू डी टी। अब आप रैशनलाइज करें इसको, हाफ ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से कन्फ्यूज ना हो, लीनियर है ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ए स्क्वेयर माइनस टी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस टी। रैशनलाइज करेंगे तो रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस टी से मल्टीप्लाई और रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस टी से डिवाइड। अब हाफ ऑफ ये तो आपके पास हुआ ए स्क्वेयर माइनस टी, ये रूट ऑफ ए रेज टू पावर 4 माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी टी। अब आपके पास जो टाइप बनी वो टाइप वही बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ए की पावर ना देखें, ए तो कांस्टेंट है, आप टी की पावर देखें, वेरिएबल तो टी है, क्वाड्रेटिक वही टाइप होगी आपके पास, ठीक है।
तो इसलिए नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस टू टी। तो टू से तो करें डिवाइड और टू से करें मल्टीप्लाई, टू ए स्क्वायर माइनस टू टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए रेज टू पावर फोर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, अलग अलग करेंगे वन बाई फोर, ए टू ए स्क्वायर भी बाहर निकाल दें, वन अपॉन रूट ऑफ ए रेज टू पावर फोर को ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और इंटू डी टी, फिर माइनस टू से वन बाई फोर कैंसिल करेंगे, वन बाई सॉरी बाहर प्लस वन बाई फोर है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू टी अपॉन रूट ऑफ ए रेज टू पावर फोर माइनस टी स्क्वायर और इंटू डी टी, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन बाई फोर और इसको आई वन का नाम डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसका इंटीग्रेशन हमने सीधा कर दिया, वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है। तो अब बेटा आई वन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू टी अपॉन रूट ऑफ ए रेज टू पावर फोर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब आप पुट कर दें ए रेज टू पावर फोर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड, तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो और ये हो जाएगा माइनस टू टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी जेड। जब आप आई वन में पहुंचेंगे तो ये आपके पास वन अपॉन रूट ऑफ जेड डी जेड हो जाएगा, यानी कि जेड रेज टू पावर माइनस हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ इंटू में टू हो जाएगा प्लस सी वन, टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ जेड, जेड आपने पुट किया था ए रेज टू पावर फोर माइनस टी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा सी वन। अब आप फर्स्ट में पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो आई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स टी, आपने एक्स स्क्वायर को पुट किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन बाई फोर टाइम्स ऑफ आई टू, आई टू आपके पास है टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए रेज टू पावर फोर माइनस टी स्क्वायर, तो एक्स रेज टू पावर फोर हो जाएगी यहाँ पर, क्लियर है। और प्लस में सी वन सी टू कटा करके सी लिख देंगे, यहाँ पे आपके पास टू हो जाएगा, ये बेटा आपके पास आंसर है। इस तरीके से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।